मैच मुद्द तो याद रहेगा क्योंकि एक टीम ने किया 400 और उसके बावजूद दूसरी टीम जीत जाती है, चाहे डीएलएस की वजह से जीत जाती है, मगर पाकिस्तान रिचली डिजर्व करते हैं। क्योंकि देखें, हाफ टाइम पे जब आपकी इतनी धुनाई हो जाए, जब 400 आपकी बॉलिंग खा ले, तो आपके जो जहन का जो फ्यूज है ना, वो उड़ जाता है, तारें शॉर्ट हो जाती हैं ब्रेन की, और फिर आप इतने ज्यादा मेंटली स्कार्ड और इतने डिस्टर्ब और इतने थक जाते हैं चौके छक्के खा खा के। पहले 40 ओवर में बाय द वे 40 चौके लगे पाकिस्तानी बॉलर्स को, कि फिर आपसे बैटिंग जो है वो नहीं होती है। मगर जो काम किया पाकिस्तान ने वो ये कि अपने आप को डिटैच किया उस सिचुएशन से, दूर रख के और एक फोकस लेके आया, क्लैरिटी लेके आया कि ठीक है, अगर वो हमें इस तरह से मार सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसमें फिर फखर जमान जब चलते हैं तो मैच वन साइडेड कर देते हैं। देखें, ये बड़ी अजीबोगरीब गेम है क्रिकेट, इसलिए कि 5 मिनट में ये आपको जीरो कर देती है, 5 मिनट बाद आप हीरो बन जाते हैं। और फखर जमान की भी स्टोरी कुछ, रमीज राजा जो खासे पुरजोश दिखाई दिए फखर जमान की बैटिंग और जीत पाकिस्तान पर, उनका मुकम्मल रिएक्शन क्लिप आपको सुनवाते हैं। इससे पहले आप पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस पर क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, कमेंट जरूर करें। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके मजीद इस तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बड़े टारगेट के खिलाफ उमदा बैटिंग करके मैच DLSS जीत लिया है, तो आप पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस भी यकीनी हो चुके हैं।